हाय नमस्ते, आप देख रहे फोटोशॉप ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाएगी, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब्सक्राइब हो जाओगे और एक बाजू बेल आइकन बटन भी दिखाएगी, उसे भी क्लिक करने के बाद जो भी मैं नया नया वीडियो बनाते रहता हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देखो आराम से सीख सकते। चलिए आज एक नया तरीका लेकर आया हूँ, फोटोशॉप में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को आप कलर कैसे करना, ठीक है। इसलिए मैं जा रहा हूँ अडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा अडोब फोटोशॉप 7.0 कहाँ पर है, देखना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ से दिखाई दे रहा मुझे अडोब फोटोशॉप 7.0, एक बार उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा एक विंडो ओपन हो गया मुझे अडोब फोटोशॉप 7.0 का। ओके, अडोब फोटोशॉप 7.0 दिस इज फॉर द टाइटल बारकर को बोल सकते हैं, जो नीचे आ रहे इसे मेनू बारकर को बोल सकते हैं, हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना इसे टूल बारकर को बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसे क्लोज बटन, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रियलिस्टिक कलर कैसे करना है। जो भी आपका घर में फोटो है, 50 साल का और 20 साल का फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसे कलर करना है तो आप आराम से इजी से कर सकते हो, वही मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, फाइल में जाओ, यहाँ से ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आपका फोटो कहाँ पर है उसको फोटो लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद मेरा फोटो डेस्कटॉप के ऊपर है, डेस्कटॉप पर सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कहाँ पर है मेरा फोटोज, लेको मैं उसे एडिट करता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा ब्लैक एंड व्हाइट का एक लड़की है, मैं उसे ओपन करके ऐसे मैक्सिमाइज कर दिया। इसे करने के बाद मुझे इसे क्या करना है, पूरा थोड़ा सा एचडी, थोड़ा सा एचडी में पूरा कलर जो ब्लैक एंड व्हाइट है इसे कलर बनाना है, रियलिस्टिक कलर बनाना है। इसलिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ से लेयर प्लांट तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो बहुत जरूरी है। विंडोज में जाता हूँ, यहाँ से लेयर प्लांट ले लो, आ जाएगी, इसे खींच को यहाँ पर रख दो, साइड में रख देना, मैक्सिमाइज कर दो। देखो यहाँ से क्रॉस में गए तो ऐसे दोनों एरो की आ जाएगा, उसे पकड़ो ऐसे नीचे खींच लो और उसे एक बार इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एडिट क्या किया हूँ मैंने देखने के लिए मुझे चाहिए, इसलिए इसे एक बार डुप्लीकेट। ओके, लॉक निकल गया, बाद में डुप्लीकेट कर दिया। ओके, डुप्लीकेट हुआ और एक इमेज, एक दो इमेजेस मेरे पास है। इसे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करो, जूम करने के बाद ऐसा लेयर इस तरफ ले लो, जूम कर दो, जो फोटो आपका है पूरा क्लियर दिखाई देगा। जूम करने के बाद इसे क्या करना है, यहाँ से आपको एक सिलेक्शन टूल मिलेगी, मैग्नेटिक टूल नहीं तो पेन टूल लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। ओके, यहाँ से पेन टूल करके रहता, पेन टूल ले लेता हूँ मैं, पेन टूल बहुत जरूरी है। जो भी इमेज को आपको सिलेक्शन करना है, जो भी बैकग्राउंड चेंज करना है फोटोशॉप में, ठीक है, यहाँ पर जो भी टूल्स मिलते हैं, यहाँ पर लाइसो टूल, पॉलीगन लाइसो टूल, ये सभी टूल्स रहता है, लेकिन सबसे अच्छा टूल कौन सी है, इसमें पेन टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो को बैकग्राउंड निकालने के लिए, फोटो को सिलेक्शन करने के लिए आपको बहुत कुछ काम के लिए आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, सिलेक्शन करने के बाद देखो ऐसे सिलेक्शन हो रहा, एक बार क्लिक करना, करने के बाद यहाँ पर कन्वर्टर भी मिल जाएगी आपको, ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे निकाल दिया ना, ऐसे ऐसे पकड़ को ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माउस को इधर उधर घुमाया तो आपको कंट्रोलर्स मिल जाएगी, और जो भी ये कंट्रोलर्स मिल रहा अल्ट पकड़ को थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेता हूँ, और बाद में और इसे भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे सीधा करना है सिलेक्शन करने का, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन दो तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद कुछ डिफिकल्ट आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन कर ले रहा हूँ पूरा इमेज, ऐसा पूरा इमेज सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, इसे पूरा कलर बनाना है मुझे, ब्लैक एंड व्हाइट है और ओरिजिनल रियलिस्टिक कलर कैसा रहता है वैसा रियलिस्टिक कलर देना है मुझे फोटोशॉप में, इसलिए मैं ऐसे सिलेक्शन कर ले रहा हूँ पेन टूल से, सिलेक्शन कर दो ऐसे पूरा सिलेक्शन, पूरा उसको कान है उसका थोड़ा सा अच्छा ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता, छोटे छोटे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसे बहुत ध्यान में देना देखो काम करना पड़ता। एंटर दबा दो, पूरा सिलेक्शन हो गया, और ऐसे सिलेक्शन होने के बाद एंटर दबा दिया, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद अभी क्या करो, इसे थोड़ा सा फेदर देना पड़ेगा, स्मूथ होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट में जाओ, सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ से फेदर कर को मिल जाएगी, फेदर कितना है 5 है, मैं 5 रख लेता हूँ, देखेंगे 5 में कितना होता है, 5 हुआ। होने के बाद कहाँ पर जाना है आपको, इमेज, इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ से वेरिएशन कर को मिल जाएगी, इमेज का वेरिएशन आपको मिलेगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर वेरिएशन मिल रहा, आपका कलर कैसा चाहिए आपको ऐसा कलर आप इजी से बना सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कलर कैसा रहता लड़की का वैसा ओरिजिनल कलर आप, स्किन का कलर आप यहाँ पर दे सकते, ठीक है, ऐसा ओरिजिनल कलर जो भी कलर है आप आराम से देखो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कलर दे दिया हूँ, देने के बाद इसे ओके कर लो एक बार, कैसा है कलर कैसा हुआ है पता चलता, ये ओरिजिनल रहता है ये क्रिएट रहता है यहाँ पर, जो भी आप दबाए ना इसके ऊपर, अभी रेड चाहे तो रेड में, पिंक चाहे तो पिंक में, और अभी रेड और थोड़ा सा ज़्यादा दबा दो और ऐसे दबा दो कलर चेंज हो जाएगा,
आप आराम से देखो सीख सकते हैं, बहुत इजी है। ये देखो मैं ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। आपका स्किन का कैसा कलर रखना है आपको पता चलता है, वो कलर आप रखो काम कर सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ और थोड़ा सा व्हाइट लेने के बाद इसे थोड़ा सा डार्क कर दो। लेने के बाद ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर क्लिक किए दो तो वापस चला जाओगे ओरिजिनल, और ये एडिट है इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ऐसा कलर आया कि ओरिजिनल थोड़ा सा दिख रहा है, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है ना कलर में, तो इसलिए आप क्या करना, इमेजेस इमेजेस में जाने के बाद एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में जाने के बाद ऐसे व्हील सेचुरेशन कंट्रोल यू दबाए ना कीबोर्ड में आपको आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कर लेता हूँ, देखो कलर भी यहाँ से चेंजेस हो रहा है। आपको कैसा कलर रखना है वैसा कलर आप आराम से रखो, एडिट कर सकते हैं। देखो कैसा कलर रखना है आप आराम से देखो, कलर कर को भी आप काम कर सकते हैं, और रियल कलर ऐसा है, और थोड़ा सा ऐसा चेंजेस भी कर सकते हैं आप। आपको कैसे कलर चाहिए वैसे कलर चेंजेस कर को आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ मैंने, ऐसे चेंजेस हो रहा कलर, आप आराम से ऐसा चेंजेस कर को भी काम कर सकते हैं, और ये कलर भी यहाँ से चेंजेस होते रहता, ठीक है। तो मैं ऐसा कलर कर दिया हूँ, कलर करने के बाद ओके भी कर लो, एडजस्टमेंट हुआ करेक्ट हुआ तो आप ओके कर को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कैसे कलर चाहिए वैसे कलर चला गया, और वापस फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करोगे, और एक्टिवेशन है मैं ओके नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा ऐसे चेंज कर को मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इतना हुआ, इतना होने के बाद इसे ओके कर दे रहा हूँ। ओके यहाँ पर ओके बटन दबा दो, ओके हो गया। होने के बाद अभी सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद उसे निकलना है, सेलेक्ट में चला जाओ, यहाँ से डी सेलेक्ट मिल जाएगी, कंट्रोल डी कर को कीबोर्ड में भी आप दबा सकते हैं कंट्रोल डी। देखो स्मूथ से आपका फोटो इमेजेस रेडी हुआ, देखो फाइव फेदर दिया था यहाँ पर, थोड़ा सा स्मूथ में एडिट हुआ। एडिट होने के बाद अभी हेयर का भी कलर चेंजेस करना है आपको, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, और यहाँ से नया लेयर ले लो। लेने के बाद ब्रश लेना पड़ेगा आपको, ब्रश लेने के बाद थोड़ा हेयर का कलर मैं रेड में ले लेता हूँ, ब्रश रेड में लेने को ऐसे थोड़ा सा थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ, ऐसे पूरा लगा देता हूँ। लगाने के बाद थोड़ा सा एडिट भी हो जाएगा, ऐसा देख लो पूरा लगा दो, कहाँ पर है लड़की का हेयर वहां पर सभी को आप ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे पूरा लगा देता हूँ मैं, रेड कलर लगा रहा हूँ। रेड कलर लगाने के बाद इसे ब्लैक में कन्वर्ट करना है आपको, मैं आपको कर को दिखाऊंगा कैसे ब्लैक में कन्वर्ट होगा, कैसे करेक्ट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। ऐसा कलर है करने के बाद, और इसे क्या कर लेता हूँ मैं, इतना तो कर दिया। करने के बाद यहाँ पर देखो लेयर में एक लेयर का ऊपर नॉर्मल कर को दिखाई देता आपको, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना माउस से, ऐसे क्लिक कर को ऐसे सेलेक्ट ब्लू कलर में ऐसे आता है। सेलेक्शन करने के बाद अभी कीबोर्ड में आपका एरे मार्क, आप गेम खेलते रहते ना ऊपर नीचे साइड और इस साइड लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का बटन रहती है आपको, चार डायरेक्शन कीज रहता है उसके ऊपर जाको नीचे का डायरेक्शन कीज दबा रहा हूं मैं। ऐसा कलर चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, देखो आपको कौन सी कलर चाहिए वो कलर आप आराम से रखो, एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी कलर मैच होता है ना आपका इमेजेस, वो कलर आप रखो आराम से एडिट कर सकते हैं। देखेंगे कौन सा कलर मैच होता, मैं एक कलर ले लेता हूँ। लेने के बाद और थोड़ा सा यहाँ पर एरेजर करना है मुझे, एरेजर टूल यहाँ से मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पर एरेजर टूल आ रहा, कंट्रोल बड़े ई दब कीबोर्ड में ई फ्रेश कर दिया ना आपको एरेजर सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा आ रहा, ये देखो इतना बड़ा आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर दो बस इतना, और इसे थोड़ा सा स्मूथ में मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे एरेजर कर रहा हूँ। देखो ऐसा स्मूथ में एरेजर करना, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि ब्लैक व्हाइट नहीं दिखना चाहिए वहाँ पर, थोड़ा सा एडिट हमें करे जैसा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा स्मूथली एरेजर कर रहा हूँ। हुआ, होने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा देखो रेड दिखाई दे रहा, वो भी मैं निकाल लेता हूँ पूरा, निकाल दिया, और यहाँ पर तो चलेगा ठीक है, बैक तो चलेगा, लेकिन और थोड़ा सा मुझे और इससे जो भी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो रही है रेड का उसे थोड़ा सा स्लो करना है, तो यहाँ पर देखो ओपेसिटी रहता, लेयर का ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दिया ना, ऐसे पूरा कम हो जाएगा, ऐसे आराम से कम कर सकते हैं, नहीं तो वाइट भी रख सकते हैं, आपको कैसा चाहिए वैसा रखो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो ज़्यादा कर दो, आपका ओपेसिटी ज़्यादा कर दो आप, ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे आप आराम से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते, थोड़ा सा मैं कम रख लेता हूँ, इतना रख देता हूँ। ओके होने के बाद और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में जाओ और थोड़ा सा चेंज करो, आपको जो भी एडिट है वो भी मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो वैसा ही रहने दो, तो वैसा ही आप रखो काम कर सकते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी इसका थोड़ा सा कम करके देखो ये मैच हुआ या नहीं चेक करेंगे, ऐसा भी कर को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना रख लेता हूँ, रखने के बाद ओके रहने दो, रहने दो। इतना होने के बाद और मुझे क्या करना है, और उसका आई का कलर चेंज करना है, आईब्रो कलर चेंज करना है, थोड़ा बहुत बहुत सारा चीज कलर चेंज करना है मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश लेको मैं, थोड़ा सा व्हाइट दिखाई दे रहा, और यहाँ से थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ उसको, और थोड़ा सा ऊपर से आता हूँ ऐसा, ओके कर दिया। होने के बाद अभी क्या करना है मुझे,
और थोड़ा सा इसे आईब्रो ब्लैक करना है, आईब्रो भी थोड़ा रेड में हुआ, यही कलर में होते रहता है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ इसे और थोड़ा सा स्मूथ बाद में बना को दिखाऊंगा आपको। ये पूरा स्मूथ और स्मार्ट भी दिखाई देगा। और इसे लिपस्टिक भी लगाना है लड़की को, और उसका आई भी व्हाइट करना है, सब चीज करना है। यहाँ पर जो भी एक नया फोटो रहता है आपके पास, जो भी दादा दादी का जो भी चीज रहता है, उसे इसी तरह से ही क्या कर सकते हैं आप, पूरा कलर में एडिट कर सकते हैं। और मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से ब्रश ले लो। ब्रश लेने के बाद पहले आईब्रो कैसा रहता है लड़की का, ब्लैक रहता रेड रहता, रेड ही रहता, कोई ब्लैक नहीं रहता, ब्लैक रहता रेड नहीं रहता सॉरी। ठीक है, मैं इसे क्या कर ले, ऐसे पकड़ो, ऐसे खींचो, उसके ऊपर ऐसा लगा दो ब्रश से एक बार। देखो लगा दिया, लगाने के बाद उसे क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल में जाओ, मल्टीप्लिकेशन करो, चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करो, आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। होने के बाद इतना हुआ, होने के बाद और थोड़ा सा चेंजेस करना है तो भी चेंजेस कर सकते हैं आराम से। देखो ऐसे चेंजेस हुआ, होने के बाद आपको कैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं आराम से। चेंजेस हुआ आपको, देखो ऐसा चेंजेस हुआ, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन, पहले कैसे था निकालो, यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा, सेम कलर है, और थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इसे सिलेक्शन कर दो, यहाँ पर जाओ, ऐसा रख देता हूँ, पहले ऐसे था बाद में ऐसा एडिट हो रहा। होने के बाद मैं इरेजर टूल ले लेता हूँ। इरेजर टूल लेने के बाद थोड़ा सा ऐसे इरेजर करना है मुझे, 100 दबा दो, ओपेसिटी थोड़ा 50 है इसका, 100 कर देता हूँ। और ब्रश साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से छोटा कर दो, ठीक है चलेगा। अभी इरेजर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इरेजर हुआ लगता, कम करो, इरेजर टूल ले लो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ब्रश, थोड़ा छोटा, अभी इरेजर कर दो, थोड़ा सा स्मूथ इरेजर कर देना, आराम से इरेजर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका कंप्यूटर में। ऐसा आराम से कर को, आराम से एडिट कर को आप बना सकते, ठीक है इतना हुआ। और इसके ऊपर थोड़ा सा और ओपेसिटी कम करो, और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ऐसे चेंजेस कर लिया, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया। देखो पहले थोड़ा ऐसे था, अभी थोड़ा सा डार्क कर लिया हूँ। करने के बाद और थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इरेजर करो, पूरा पूरा इरेजर हो। इरेजर होने के बाद अभी क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। और आईज थोड़ा सा व्हाइट होना है, उसे भी न्यू लेयर ले लो यहाँ से। न्यू लेयर इसे कहाँ पर भी रख सकते हो आप, पकड़ो ऐसे ऊपर पकड़ को, कीच को कहाँ पर चाहिए वहां पर रखो आप। एडजस्टमेंट और यहाँ से कलर ले लो, व्हाइट कलर, आंख तो व्हाइट रहता है, रेड तो नहीं रहता है। और यहाँ से आंख कलर ले लिया, और मैं ब्रश ले लेता हूँ, एक बार इसके ऊपर दबा दो, और एक बार इसके ऊपर दबा दो। होने के बाद अभी नॉर्मल में चला जाओ। नॉर्मल में जाने के बाद कीबोर्ड में डायरेक्शन कीज नीचे ऊपर कर दो, आपको कलर दिखाई देगा। देखिए ऐसे हुआ, और इसे बंद करके देखेंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे सा, बाद में थोड़ा व्हाइट में कन्वर्ट हुआ। होने के बाद अभी इरेजर करना है, थोड़ा बहुत पीछे का इरेजर कर लो, ऐसे बाहर का इरेजर करना पड़ेगा आपको, जो भी थोड़ा हाई दिखाई देता रहता ना उसे इरेजर कर लेना, बाद में अंदर का तो पूरा अच्छा ही बैठेगा। और इसके ऊपर भी जो है उसे निकाल देना, और बाजू में भी था थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी छोटा सा देना है। और ब्रश को मैं छोटा कर लेता हूँ, ब्रैकेट दबा दो ऐसे, ठीक है ऐसे व्हाइट में थोड़ा सा आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है इतना हुआ। होने के बाद अभी क्या करना है, और इसका भी कलर थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसे भी एक नया लेयर ले लो। लेने के बाद यहाँ से कलर चेंज करना है, कलर ले लो, चॉइस करो कलर जो भी है आपको, कलर है वो कलर लेना, मैं वैसा कलर ले रहा हूँ। लेने के बाद और ब्रश थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से साइज बड़ा कर दो, बहुत बड़ा हो जाएगा, कम करो, इतना साइज करेक्ट होगा, एक बार क्लिक कर दो, और इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। करने के बाद और नॉर्मल में चला जाओ। जाने के बाद यहाँ से चेंजेस होता, आपको कैसा आई चाहिए वैसा आईज आप आराम से रख सकते हैं, आराम से एडिट कर सकते हैं। ऐसे रख दिया, रख देने के बाद और थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है इसका, तो आप क्या कर सकते हैं, इमेज में जाओ, इमेज जाने के बाद एडजस्टमेंट जाने के बाद हुल सैचुरेशन, यहाँ से आपको कलर भी चेंज होगा। देखो आपका जो भी वैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आपको कैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप चेंजेस करके एडिट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी कलर चाहिए, आपको जो कलर पसंद है वो कलर रख दिए, आप आराम से रखो काम कर सकते हैं। देखिए ऐसा कलर भी मिल जाएगा आपको, जो भी कलर है कलर चाहिए वैसा कलर। मैं जो एक कलर सिलेक्शन कर लेता हूं ऐसा, ये कलर में क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा ऐसा भी कलर चेंजेस कर सकते हैं और ऐसा भी रख सकते हैं। आपको कैसे होना है वैसे कलर रखो, आप आराम से एडिट कर सकते हैं। जो कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा देख रहा हूँ, और ऐसा कलर थोड़ा सा पसंद आ रहा है, लेकिन मैं ये कलर रख देता हूँ, ठीक है इसे ओके कर। ओके करने के बाद ऐसा कलर चेंज कर दिया मैं, आएगा देखो ऐसा दिख रही है। दिखने के बाद अभी क्या करना है, उसे लिपस्टिक लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ से
लिपस्टिक लगा लेना। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, और जूम करो थोड़ा बहुत, और जूम करो, जूम करने के बाद और नया लेयर लेना पड़ेगा आपको। लेने के बाद यहाँ से और ब्रश ले लो और रेड कलर ले लो, यहाँ से पूरा रेड रेड कलर लेने के बाद चेंज भी कर सकते हैं, और पूरा ऐसे लगा दो, पूरा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आराम से आपको समझा दूंगा ये कैसा चेंजेस करना है। अभी नॉर्मल में चला जाओ, नॉर्मल में यहाँ से नॉर्मल में चला जाओ, जाने के बाद और लेयर को ऊपर नीचे कर दो, आराम से आपको पता चल जाएगी लिफ्ट कहाँ पर है। और इसे इरेजर टूल ले लेता हूँ, लेने के बाद आराम से इरेजर कर देता हूँ, और थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर 35, और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और थोड़ा छोटा बस। न लेने के बाद इसे आराम से मैं इरेजर कर लेता हूँ, कितना चाहिए उतना इरेजर कर लेना, ज़्यादा मत इरेजर कर देना, ठीक है। आपको कितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रिक्वायरमेंट से आप इरेजर कर को एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं इतना ही चाहिए था मुझे, मैं इतना ही इरेजर कर ले रहा हूं। इतना होने के बाद अभी क्या करना है, इसे कलर और थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो भी आप कलर चेंजेस जूम आउट करो कि, और यहां पर देखो अंदर भी दिखाई दे रहा, दांत में भी दिखाई दे रहा ना, उसे भी इरेजर कर लेना। थोड़ा सा और इरेजर में क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ अंदर चला जाओ, पूरा अंदर भी जाओगे आप, और उसे निकाल को देखता हूँ, अंदर भी ऐसा ब्लैक ही था पहले, अभी भी ब्लैक ही दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो भी रेड है वो चला जाएगा। ऐसा पूरा चला जाएगा, ठीक है। इतना हुआ, इतना होने के बाद अंदर व्हाइट भी है तो व्हाइट कलर लगा देते हैं आप, ऐसे अंदर व्हाइट लगा देंगे और न्यू लेयर ले लो। यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से कलर व्हाइट कर दो, व्हाइट कलर ले लिया मैंने, व्हाइट कलर ले लो, सिलेक्शन कर लो और इसे अंदर व्हाइट कलर लगा देंगे। सॉरी, जूम करो, अल्ट पकड़ो, यहाँ से बकेट है, यहाँ ब्रश तो है आपके पास, सिलेक्शन तो है, या मैं यहाँ से कलर ये तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से जो इरेजर रहता है ना यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये ऊपर नीचे ले रहा हूँ, व्हाइट कलर ले ले रहा हूँ। लेने के बाद ऐसे ऊपर ऐसे दबा दो, दबाने के बाद अभी क्या करना है, उसे भी नॉर्मल में जाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो अंदर मुझे थोड़ा बहुत व्हाइट चाहिए ना, इसलिए मैं उसे चेंजेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से, आपको कैसा कलर होना है वैसा कलर, ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा कम भी हो जाएगी, और बाद में इसे इरेजर कर देना, नहीं तो इसके नीचे रख लेता हूँ जो लेयर है यहाँ पर, ये लिपस्टिक का लेयर है, इसके नीचे में रख दिया तो अंदर चला जाएगा। और इसका ओपेसिटी थोड़ा कम है, ज़्यादा भी कर दो थोड़ा वो दिखेगा, ऐसा भी देख सकते हैं, नहीं तो उसे निकाल देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इतना तो निकाल देता हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ, और उसका कलर भी चेंजेस करना है लिपस्टिक का, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, और इमेजेस में जाओ, और थोड़ा सा देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर, ब्रश ले लो, ब्रश लेने के बाद सॉरी, और कलर यही कलर ले लेता हूँ मैंने, लेने के बाद थोड़ा सा ऐसे कलर दबा दो आराम से, अच्छा और थोड़ा सा अच्छा होगा। ऐसे कलर थोड़ा सा चेंजेस होगा, और उसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल यू दबा दो, आप कलर आराम से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लिपस्टिक का कलर चाहिए ना वही कलर आप आराम से, ऐसे देखो जो भी कलर चाहिए आपको वो कलर रखो। आपको ये पकड़ को खींचना है, सिर्फ मैं खींच रहा हूँ, खींच को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ, आपको कैसा चाहिए वैसे रखो, आप आराम से चेंजेस कर सकते हो। ओके, मुझे ऐसा होना है, मैं चेंजेस कर लिया, और थोड़ा बहुत और चेंजेस करना है तो भी आप आराम से चेंज कर को ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, और चेंज करता हूँ, कंट्रोल यू दबा दो, और थोड़ा बहुत और चेंजेस चाहिए, और थोड़ा सा अच्छा दिखना है मुझे, और मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, ऐसे चेंज कर को एडिट कर रहा हूँ। लेकिन लड़के होते हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो जाएगा, कैसे लगाना है कैसे लगाते हैं, थोड़ा बहुत देखो आप इधर उधर देखते रहते हैं ना, आराम से एडिट कर सकते हैं, देखे से रहते हैं आप कहाँ पर भी, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा देख को मैं क्या कर लेता हूँ, इसे ऐसा एडिट कर रहा हूँ कि ओके कर दिया, मैं ऐसे देखा था इसलिए ऐसे कर दिया। आप कैसे कलर देखे हैं लिपस्टिक का, आप वैसा कलर आप देख को आराम से एडिट कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया, करने के बाद और थोड़ा सा एडिट करना है तो भी एडिट कर सकते हैं आप आराम से, और इसे थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक व्हाइट कलर में थोड़ा सा देखो, व्हाइट कलर में थोड़ा सा लाइटली दिखना है ना, और थोड़ा सा व्हाइट यहाँ पर व्हाइट दे दो, थोड़ा बस ओपेसिटी कम करेंगे, ओपेसिटी कम कर लो, कम करने के बाद थोड़ा सा ऐसा व्हाइट ऐसे आपको थोड़ा सा लाइट व्हाइट दिखाएगी,
ठीक है, ऐसा एडिट भी कर सकते हैं आप आराम से। हुआ होने के बाद अभी क्या करना है आपको, पूरा वैसा ही रहने दो रेड, ओके हुआ। इतना होने के बाद अभी उसका कोट का भी कलर चेंज करना है और पीछे का भी कलर चेंज करना है, तो आराम से अभी कैसा एडिट करें ना वैसे ही एडिट करके आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं। और हेयर का भी कलर आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी रख सकते हैं आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप आराम से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल यू दबा दो, कंट्रोल यू दबाने के बाद उसका हेयर का कलर का भी, हेयर का कलर भी चेंज हो जाएगा आराम से। ऐसा हेयर चाहिए तो ऐसा हेयर रख लो, अच्छा दिखेगा। ऐसा जो भी कलर चाहिए आपको कलर रखो, आप एडिट आराम से कर सकते हैं। इतना हुआ, होने के बाद आपको यहाँ पर स्टिकर लगाना है तो स्टिकर भी लगा सकते हैं। आइस का कलर चेंज करना है तो आइस का कलर, और यहाँ पर स्किन का कलर, और थोड़ा बहुत मुझे स्मार्ट चाहिए इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ। फिल्टर में जाने के बाद मेरे पास मैजिक प्रो करके प्लगइन है, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा बहुत और स्मार्ट हो जाएगी मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हुई, देखो पहले ऐसे था स्किन, बाद में ऐसे दिख रही है, थोड़ा बहुत स्मार्ट हुआ। होने के बाद अभी क्या करना है मुझे, स्टिकर लगाना है तो स्टिकर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल तरीका है उसे भी, न्यू लेयर लेने का, ब्रश ले लो, ब्रश लेने के बाद उसका भी कलर चेंज करना है आपको, उसका भी कलर आप आराम से चेंज कर सकते हैं। और ब्रश ले लो, ब्रश लेने के बाद ऐसा क्लिक कर दो कि छोटा सा ओपेसिटी ज़्यादा कर दो, लेकिन ब्रश छोटा चाहिए। छोटा करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, थोड़ा बहुत छोटा कर लेता हूँ, एक बार क्लिक कर दो, ओके क्लिक हुआ। और उसे मल्टीलाइजेशन कर देना, नॉर्मल में जाना, जो भी कलर आपको मल्टीपल होना है उसे मल्टीलाइजेशन कर दिया तो आराम से आप चेंज कर को ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, इतना भी कलर चेंज कर दिया और कान का भी कलर चेंज हुआ और ऐसे हुआ। होने के बाद अभी क्या करना है आपको, तो कंप्लीट तो हुआ है लगता मुझे, और कुछ करना है तो आप आराम से कर को सीख सकते हैं। ठीक है, आईज का कलर चेंज करते हैं, आईब्रो का, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे और थोड़ा चेंजेस करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर एडिट करके दिखाता हूँ आपको। न्यू लेयर ले लेता हूँ, लेने के बाद ब्रश ले लो, ब्रश लेने के बाद और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा रख दो, और इसे ही थोड़ा सा और बड़ा करना है ना, कंट्रोल टी दबा दो कीबोर्ड में, और उसका स्केल भी आप बढ़ा सकते हैं, और इतना रख लेता हूँ। रखने के बाद उसका ओपेसिटी, नहीं तो नॉर्मल में जाओ, इसका भी सेटिंग आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ऐसे आराम से चेंज कर सकते हैं। उसका ओपेसिटी और थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा स्मूथ दिखाई देगी, ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा चेंज करके आप आराम से काम कर सकते हैं। 49 है, मैं 45 रख देता हूँ, थोड़ा सा उतना ही, ज़्यादा नहीं। और उसे और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप आराम से ऐसे बड़ा करके रख सकते हैं। एंटर दबा लेता हूँ, इतना तो चेंजेस कर दिया। ऐसे आप आराम से एडिट करके आप सीख सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा दिख रही है मुझे, थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, इतना ही बस, 40 है, 40 रख देता हूँ, 40 रख दिया। ऐसे आप आराम से एडिट करके सीख सकते हैं जो भी चाहिए आपको। यहाँ पर भी कलर करना है, चेंजेस करना है, और यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, लड़कियाँ कहाँ पर लगाती है वैसा एडिट कर सकते, एडिट करके आप आराम से फोटोशॉप ब्लैक एंड व्हाइट में आराम से एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके पता चल गया। और इसे ही आपको जेपीजी करना है, फाइल में चला जाओ, फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव एज में जाओ, यहाँ से पीएसडी है, यहाँ से जेपीजी ले लो। जेपीजी लेने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे फाइल चेंज कर लेता हूँ, कॉपी 456 एक नाम ले देता हूँ, सेव कर दो, ये फोटो सेव हो जाएगा। ओके करने के बाद देख लो एक बार, मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज करने के बाद पहले का फोटो और ये अभी बनाया सो फोटो है, और बाद में ये पहला फोटो था, फर्स्ट ऐसे था, हमें ऐसे बना दिया। ठीक है, आपको समझ में आया लगता, एक बार प्रैक्टिस करके आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाएगी, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब्सक्राइब हो जाओगे, और एक बाजू बेल आइकन बटन भी दिखाएगी, उसे भी क्लिक करने के बाद जो भी मैं नया नया वीडियो बनाते रहता हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देखो आराम से सीख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।